दोस्तों सभी को राम राम। युविका मशरूम पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जो है टनल के बारे में बात करेंगे कि कंपोस्ट बनाने के लिए आपको किस तरह का टनल बनाना चाहिए और टनल बनाने का क्या प्रोसीजर है, टनल का काम करने का क्या तरीका है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम आज विस्तार से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने सीजनल जो मशरूम फार्मिंग होती है उसके लिए किस तरह के सेड बनाए जाने चाहिए उसके बारे में डिस्कस किया। उसका लिंक मैं जो है आई बटन में दे दूंगा। दोस्तों सबसे पहले टनल होता क्या है। टनल एक हमारा जो है इंसुलेटेड रूम होता है, जैसा मैं अभी आपको बना करके दिखा रहा हूँ। ये एक हमारा इंसुलेटेड रूम होता है जिसके अंदर हमारा बाहर के जो टेम्परेचर सराउंडिंग्स हैं उनका इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दोस्तों जो हमारा टनल है उसके अंदर कुछ हमारा नीचे एक इस तरह का फर्श होता है। इसमें दो फर्श होते हैं मेनली टनल के अंदर। एक तो हमारा ये मेन फर्श होता है, ये इसमें जालीदार फर्श होता है दोस्तों। ये इसमें छोटे छोटे पाइप लगे हुए होते हैं इस तरह से और इसमें छेद हुआ रहता है पूरे इसमें। उसके नीचे दोस्तों हम इस प्रकार से एक दूसरा फर्श जो है डालते हैं। इसमें थोड़ा सा हम टेपर इसलिए देते हैं जिससे कि जो हवा का जो हम प्रेशर है वो इसमें जैसे जैसे एरिया कम होता जाए लास्ट में पहुँचते हुए प्रेशर बढ़ जाए, इस वजह से हम इस तरह का फर्श जो है नीचे डालते हैं। इसके अंदर दोस्तों हम यहाँ पर एक जो है ब्लोअर लगाते हैं। ये हमारा एक जो है ब्लोअर होता है जिसके थ्रू हम इसमें हवा देते हैं। ये ब्लोअर हमारा, इसका जो ब्लोअर का इनलेट है वो हमारा टनल के ऊपरी हिस्से में जो है कनेक्ट रहता है, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये हमारा जो ब्लोअर है ये यहाँ से हवा खींचता है और इस तरह से हवा यहाँ से सर्कुलेट होके इसके नीचे चली जाती है। अब दोस्तों हमारा जो ये एरिया है, इतने एरिए में हमारा कंपोस्ट पड़ा हुआ होता है, जो हमारा कंपोस्ट पड़ा हुआ होता है उसके नीचे से हमारी ये हवा गुजरती हुई उसमें से यहाँ निकलती है और ये वापस इसके अंदर आ जाती है। ये प्रोसेस हमारा रिसर्कुलेट होता है। जब ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू रिसर्कुलेशन में रहता है तो उस प्रोसेस को हम पाश्चराइजेशन कहते हैं और इस पूरी टनल का नाम भी पाश्चराइजेशन टनल है। अब दोस्तों होता क्या है, अब इसके बाद बात आती है कंडीशनिंग की भी। तो इसमें हमारे जो आमतौर पर जो जितने भी टनल बने हुए हैं उनमें यहाँ पर हम एक डैम्पर दिए हुए होते हैं। दो डैम्पर क्या है, इन्हें बेसिकली रेगुलेटर्स कहा जाता है। अब जब दोस्तों आपको इसके अंदर फ्रेश एयर देना है तो उस समय हम इस डैम्पर को बंद कर देते हैं और इसको खोल देते हैं तो बाहर की जो एटमोस्फेरिक हवा है वो इसके अंदर जाना शुरू हो जाती है और ये आपका हवा यहाँ पर रिलीज होती है जैसे ही कंपोस्ट से बाहर निकलकर। तो जो हमारा एक एग्जॉस्ट लगा हुआ होता है इसके अंदर भी इसी तरह का एक डैम्पर होता है, उस डैम्पर को हम खोल देते हैं और ये हवा इस तरह से निकल करके बाहर जो है उसके अंदर से चली जाती है। ये बात कर रहा हूँ मैं जब आपको फ्रेश एयर इसके अंदर देनी हुई होती है। अब दोस्तों कई बार होता क्या है कि हम आधा इसे खोल के रखते हैं इस डैम्पर को, आधा इसे, वो आपके कंपोस्ट की कैटेगरी को देखने के बाद डिसाइड होता है कि इसको किस तरह की हवा की ज़रूरत है। दोस्तों नॉर्थ इंडिया के अंदर टेम्परेचर जो है गर्मियों के अंदर 45 से 48 डिग्री तक पहुंच जाता है, सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस टाइम पर जो हमारा कंपोस्ट है उसको ठंडा, अपना जो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर है उससे कम नहीं किया जा सकता। कंपोस्ट को ठंडा करने के लिए दोस्तों यही होता था कि हम जैसे ही ये डैम्पर को बंद किया और यहाँ से फ्रेश एयर देने लग गए
तो जो बाहर का टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर कंपोस्ट का हो जाता है। अब जब बाहर का ही टेम्परेचर हमारा 45 से 48 डिग्री सेल्सियस है, तो हम कंपोस्ट का टेम्परेचर कैसे बुवाई के लिए 25-27 लेके आएंगे। तो इससे निजात पाने के लिए दोस्तों एक AHU यूनिट का जो है इस्तेमाल किया गया। AHU यूनिट को हम जो ये रेगुलेटर हैं हमारे, इनसे पहले इस जगह पे AHU यूनिट को अटैच कर देते हैं। AHU यूनिट के थ्रू जो है ठंडी हवा आती है हमारी और वो कंपोस्ट के अंदर जाती है, जिससे हमारा कंपोस्ट का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। AHU यूनिट दोस्तों कई लोग कूलिंग कॉइल भी बनवा लेते हैं, जिसके अंदर किसी रेफ्रिजरेंट के थ्रू या तो उसमें ठंडा पानी सर्कुलेट होता है और उससे हवा खींच करके ये ब्लोअर इसमें डालता है, या फिर कुछ लोग कूलिंग टावर लगवा लेते हैं, जैसा कि आपने पुराने टाइम में देखा हो इंडस्ट्रियल यूज में होता है, उसके ऊपर पानी डलता रहता है और अंदर से एक पंखा जो है हवा खींच के इसके अंदर देता रहता है। इससे भी हमारा टेम्परेचर जो है 27 से 28 डिग्री तक जो है कंपोस्ट का हो जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक की वीडियो में दी गई जानकारी समझ आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।